संतों का काम यदि एक ही जगह पड़े रहें तो वो जी सत सनातन धर्म का प्रचार कैसे करेंगे जी, लोगों को जागृत कैसे करेंगे। ये हिंदू धर्म जागृत होते हुए भी सोता हुआ रहने की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे टालते टालते कब तक सोता रहेगा जी। सनातन की पहचान ही संत से है, जहाँ संत हैं वहीं सनातन है, और जहाँ संत हैं वहीं पर शीतलता है। तो आइए एक शीतल, एक सहज, एक सरल संत जी का दर्शन आप सबको कराते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि चारों तरफ वन है, जंगल है, और एक स्थान ऐसा है कि जहाँ पर भी पूज्य संत महाराज जी के चरण पड़ जाते हैं, पांव पड़ जाते हैं, वो स्थान अपने आप शीतल हो जाता है, शांति का एकदम जो है भाव वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। और हमारे जो ऋषि मुनि प्राचीन समय में, पहले के समय में जो भ्रमण किया करते थे, जो जगह जगह पर जाया करते थे, तो समाज को, राष्ट्र को जगाने के लिए जाते थे। एक ऐसे ही पूज्य संत महाराज जी का दर्शन आप सबको करा रहे हैं, जो देश और समाज को जगाने का काम करते हैं, अपने सनातन संस्कृति को जगाने का काम करते हैं। और आज के समय में बहुत जरूरी है कि समाज को, राष्ट्र को जगाएं। उनकी सोई हुई जो शक्ति है, जो उनका गौरव है, जो उनकी सनातन संस्कृति की परंपरा है, उस सब के बारे में परिचय कराएं। पूज्य संत महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी, मैं आपको देख रहा था कि भ्रमण करते हुए इधर से निकल रहे थे, अचानक मेरी दृष्टि पड़ी, मैंने कहा कि आपसे कुछ बातचीत किया जाए। ओम नमो नारायण, जय सनातन, जय हिंदू धर्म जी। हम लोग सन्यासी लोग यात्रा करते हुए बेंगलोर से चले तो जी, भ्रमण करते करते अमरनाथ यात्रा करके और हरिद्वार अपने गुरु आश्रम से दर्शन करते हुए लौटे हैं, तो इधर से होते हुए निकल रहे थे, तो आपसे यहाँ इस स्थान का पता चला कि जंगल में बड़ा रमणीय स्थान है और यहाँ संत रहते हैं जी। या दूसरा, संतों का काम यदि एक ही जगह पड़े रहें तो वो जी सत सनातन धर्म का प्रचार कैसे करेंगे जी, लोगों को जागृत कैसे करेंगे। ये हिंदू धर्म जागृत होते हुए भी सोता हुआ रहने की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे टालते टालते कब तक सोता रहेगा जी। हम तो यही कहेंगे कि सभी सनातन धर्मियों को अपने सनातन धर्म का पूरी तरह से निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए, जागृत होना चाहिए। जब भी कोई अपने धर्म के प्रति अपने धर्म को तोड़ने की कोशिश करे तो उसके लिए सजग रहना चाहिए जी। यदि मंत्र शक्ति की जरूरत है तो तलवार की भी जरूरत है जी। आजकल साधु संतों के साथ बहुत अत्याचार भी हो रहा है जी, उनको सताया भी जाता है, यात्रा को भी रोका जाता है, तो इससे न घबराते हुए जगह जगह जहाँ कोई नहीं जा रहा वहां भी जाके, गांव में जाके, खेरे पे जाके सत सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए उसे जागृत करना, भगवान का भजन करने के लिए प्रेरित करना, प्रभात फेरी करने के लिए, एक दूसरे से प्रेम, जातिवाद को छोड़ के एक प्रेम की भावना में बंधना चाहिए। इसी की प्रकाष्ठा के लिए प्रचार करते हुए साधु संत लोग, हम खुद भी यही कोशिश करते हैं, जहां भी जाएं तो वहां दो वचन बोलें, तो उसे धर्म के प्रति बोले, उसे जागृत करें, ताकि वो अपने सोए हुए धर्म को जागृत करे और अपने आप को पहचाने कि मैं हिंदू हूं, तो एक मुट्ठी बांध कर और अपने देश के लिए तन से, मन से, धन से सत तैयार रहना चाहिए जी। जैसे साधु संत हर जमे सिर्फ इसी प्रेरणा के लिए रहते हैं, उसी तरह से हर इंसान को, हर गृहस्थी को अपना ये मतलब कार्यकलाप ध्यान रखना चाहिए और करना भी चाहिए देश के लिए। सिपाही बर्बाद बलिदान देते हैं, उसी तो पहले हमारे जी भक्तों ने भी बलिदान दिया है, साधु संतों के 184,000 संतों ने भी अपना बलिदान दिया है जी। तो ऐसे देश के लिए सन्यासी तो हमेशा तैयार रहते हैं और जी देश के उत्थान के लिए। संत महाराज जी हैं जो साधना तपस्या करते हैं और वो जंगल में रहते हैं और पहाड़ों पर्वतों पे रहते, कहते हैं कि मैं साधना और तपस्या कर रहा हूँ। जिस तरह से अब नए युग में ये मोबाइल को भी चार बैटरी चार्ज कर ही जाती है, ऐसे ही अपने सन्यासियों को भी अपनी शक्ति अर्जित करने के लिए जंगल में रहना चाहिए, जाना चाहिए और एकांत में एकाग्र साधना भी करनी चाहिए। लेकिन वही रह के यदि साधना करते रहे तो फिर विश्वामित्र का क्या मतलब था कि राम जी को वन वन में घुमाना और वहां पूरा ये दिखाने के लिए जी। वो भी अपना बेटे साधना ही करते रहते जी। तो साधना के साथ साथ सन्यासी को, साधु को नगर भ्रमण, देश भ्रमण,
भ्रमण जरूर करना चाहिए और जहाँ जो भी मिले उसे सनातन धर्म के बारे में जागृत करना चाहिए। सन्यासी का धर्म ये अपने साधना के साथ साथ सनातन धर्म का प्रचार करना, सोए हुए इंसान को जागृत करना और उनका कल्याण करना, अपने भक्ति की शक्ति जो कुछ अर्जित किया उसे भी आशीर्वाद देके दूसरों का भला करने के लिए, क्योंकि साधु का जीवन ही भलाई के लिए पैदा होता है। तो अपने धर्म को, अपने इष्ट का साधक बनते हुए, साधना करते हुए भी जन कल्याण के लिए। जी, स्थान कहाँ पर है महाराज जी आपका? महाराज, मेरा गुरु स्थान बेंगलोर में। जी, वहाँ भी दादा ने हरिद्वार, हाँ आश्रम है, हरिद्वार में आश्रम है। जी, बेंगलोर में कैसे निकलते हैं प्रचार के लिए? प्रचार लोगों को जागृत करते हैं कि मंदिर जाओ, भगवान का भजन करो, जी मांस मदिरा ना इस्तेमाल करो, क्योंकि उस क्षेत्र में ज्यादा मांस मदिरा इस्तेमाल होता है। हाँ। तो उनको रोकने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें समझाते हैं, और प्रभात फेरी से एक दूसरे से मिलने का एक बहाना, मंदिर जाने के बहाने एक दूसरे को आपस में प्रेम की भावना जागृत करने के लिए उन लोगों को प्रेरित करते हैं, और उनसे यही करते हैं कि अपने भगवान का भजन करो, अपने माता पिता की सेवा करो, और जन कल्याण के लिए अपने जीवन को सार्थक करने के लिए प्रभु का गुणगान करो। प्रयास कैसा लगता है? बड़ा आनंद जीवन में, जीवन का बड़ा। हमें कभी कश्मीर में भी पहले परेशानी होती थी, पथराव भी होता था, लेकिन अब बड़ा आनंद आता है। मोदी जी के कार्यकलाप से रोड भी अच्छे हैं और सीधा जी, बढ़िया आनंद आता है। तो देखिए, इंद्रदेव पूरी तरह से बरस रहे हैं, पूज्य संत महाराज जी एकदम जल से एकदम पूरी तरह से भीग गए हैं। लेकिन बस ये कहना है कि समाज को जगाना है, राष्ट्र को जगाना है, देश को जगाना है, धर्म को जगाना है, और इसलिए चाहे इंद्रदेव की बारिश आए, चाहे तपती दोपहर हो, बस धर्म की जय के लिए लगाते हैं। जी, धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नम पार्वती पते हर हर महादेव। मैं अपने इन्हीं वचनों के लिए, यदि मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए क्षमा। अरे शब्द आपके ब्रह्म है महाराज जी, आपकी वाणी से तो गलत शब्द जा मैं इसी नहीं के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखिए, हमारे पूज्य संत महाराज कितने सहज होते हैं, कितने सरल होते हैं, कितने सज्जन होते हैं, कि हर शब्द धर्म के लिए, हर शब्द लोगों के कल्याण के लिए, हर शब्द उनके राष्ट्र के। तब भी कह रहे हैं कि अगर बाई दबे कोई भी शब्द भूल से निकल गया हो, कोई भी वाक्य गलत निकल गया हो, तो क्षमा मांग रहे हैं। ये सहजता, सरलता सिर्फ और सिर्फ हमारे पूज्य संत महाराज जी में ही आ सकती है। बारिश ने एकदम सभी को तरबतर कर दिया है, लेकिन जब संतों का आशीर्वाद बारिश की तरह बरसता है तो फिर उसकी आनंद की अनुभूति तो एक अलग ही होती है। आप लोगों से पुनः निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम करिए, क्योंकि आज का समय, आज का अवसर है सनातन धर्म को जगाने की, सनातन संस्कृति को जगाने की, अपने घर और परिवार और संस्कार को बचाने की। QR कोड है स्क्रीन पर, आप सबसे निवेदन है कि उसमें सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताएं कि सनातन धर्म की अलग जगाने के लिए पूरा भारत एकजुट है, पूरे सनातनी एकजुट हैं।